subscribe to Top Jojo and press the bell icon and never miss an another update. दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फन वैली के बारे में। द फन वैली गढ़वाल हिमालय के तलहटी में हरियाली के बीच स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच उत्तराखंड के स्वर्ण त्रिभुज से लगभग समान दूरी पर स्थित है। अपने प्रियजनों के साथ एक बंधन अनुभव के लिए एकदम सही क्षेत्र है। इसको विशिष्ट रूप से पारिवारिक केंद्र के रूप में पूर्ण मनोरंजन के लिए बनाया गया है। राइड्स और आकर्षण। द फन वैली वास्तव में सस्ती कीमतों पर एक अद्भुत दिन प्रदान करती है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, जिसमें पानी की सवारी और आकर्षण का भरमार है। सारी प्रीमियम वाटर स्लाइड्स कनाडा में व्हाइट वाटर वेस्ट द्वारा बनाई गई हैं, जो दुनिया की अग्रणी निर्माता है। और पूरे पार्क में जो पानी उपयोग किया जाता है वह कुओं से प्राप्त शुद्ध क्रिस्टल क्लियर और पीने के लिए पर्याप्त सुरक्षित होता है। एक बार महान मूल्य प्रवेश टिकट खरीद लेने के बाद सभी सवारी दिन भर के लिए निःशुल्क है, चाहे जितनी बार चाहे उतनी सवारी की जा सकती है। लेजी रिवर में अधिकांश समय आलसी मगरमच्छ की तरह बिताया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ फलों के रस का और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत का आनंद भी लिया जा सकता है। फन वैली के परिसर में एक वेव पूल है, जो व्यक्ति के शरीर पर पानी की लहरों के रूप में समुद्र के अंदर होने का एहसास देने के लिए भी काफी दिलचस्प है। फन वैली की राइड्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, किडीज पूल, बेबी ट्रेन, मल्टीप्ले पोर्ट, मिनी टेलीकॉम, वाटर डिस्को, हेज भूल भुलैया, जंपिंग फ्रॉग, डोम स्केट, काइन गेम, फ्रेस बी, चांतारा, लेजी रिवर, उत्तर भारत में सबसे बड़ा वेव पूल, ड्रैगन कोस्टर, रोटरी ऑक्टोपस राइड, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए कार्टिंग, वरिष्ठों और बच्चों के लिए कारें, वयस्कों और बच्चों के लिए कई पानी की स्लाइड्स हैं। यहाँ उच्च प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त किया जाता है, जिसमें लाइफ गार्ड अनुकूल सहायक आगंतुकों के आनंद और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ एक विशाल आंतरिक परिसर, बहुव्यंजन रेस्टोरेंट और कियोस्क, रोमांचककारी राइड्स, आवास जिसमें एक रोमांचक वाटर पार्क, डिलक्स कमरे और एक मोटल शामिल है। द फन वैली वाटर पार्क 21 सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार सवारी प्रदान करता है। ये सभी उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षा मानकों में सबसे सटीक होती है। सभी को उच्च प्रशिक्षित ऑपरेटिव लाइफ गार्ड द्वारा देखा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि फन वैली पार्क के क्या क्या नियम हैं। फन वैली में टिकट के बिना प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पार्क में फिर से प्रवेश के लिए आगंतुकों को काउंटर में टिकट लेना पड़ता है। पार्क के अंदर शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। डस्टबिन का उपयोग करें। राइड्स लेने से पहले कतार में रहें। राइड्स करने से पहले निर्देश पढ़ें। अपने सामान की देखभाल खुद करें। पार्क के निर्देशों का पालन करें। फन वैली पार्क का समय। देहरादून के फन वैली वाटर पार्क की विजिटिंग टाइमिंग हर महीने बदलती रहती है। अप्रैल के महीने में खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। मई के महीने में सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक है। जून के महीने में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक है। फन वैली की यात्रा करने के लिए मार्च और जून के बीच गर्मियों के महीने सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय आसमान साफ और धूपदार होता है, जो ठंडी धूप के लिए एकदम सही है। इन महीनों के दौरान तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब बात करते हैं टिकट की कीमत या प्रवेश शुल्क की। 3 फीट से नीचे की ऊंचाई वाले बच्चों का प्रवेश शुल्क मुफ्त है। 3 फीट से 4 फीट 6 इंच के बीच की ऊंचाई वाले व्यक्तियों का प्रवेश शुल्क 600 रुपए है।
4 फीट 6 इंच से ऊपर की ऊंचाई वाले व्यक्तियों का प्रवेश शुल्क 800 रुपए है। अब हम आपको बताते हैं कि वाटर पार्क कैसे पहुंचे। सड़क मार्ग के द्वारा फन वैली मनोरंजन पार्क देहरादून हरिद्वार राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 72 पर देहरादून और हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फन वैली से 20 किलोमीटर की दूरी पर विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश है। यह 3 शहरों से सड़क द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह देहरादून हरिद्वार राजमार्ग NH 72 पर सुविधाजनक रूप से जुड़ा हुआ है और छोटे और बड़े वाहनों के समूह टूर कोचों के लिए पार्किंग भी प्रदान करता है। अगला विकल्प है हवाई मार्ग। अगर आप देहरादून हवाई जहाज द्वारा जाना चाहते हैं तो देहरादून में एयरपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देश के अलग अलग राज्यों के हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगला विकल्प है ट्रेन से। यदि आप देहरादून ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो देहरादून शहर में रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। देहरादून रेलवे स्टेशन देश के बड़े बड़े राज्य के रेल मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। यदि आपके राज्य से देहरादून के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो आप पहले दिल्ली या नजदीकी शहर आ सकते हैं और वहां से देहरादून पहुंच सकते हैं।